राम राम भाई जो जुड़ा है सारे भाई राम राम। क्या हाल है मोहित भाई? राम राम अश्मित, ठीक हो? खेलना खेलना भी चालू कर रखा गए बंद कर रहे हो? राम राम कुलदीप भाई। राम राम सीटू भाई, क्या हाल है भाई? होर बनिया तन्ने तो मौली बात आऊंगी। क्या हाल है बुल्लू? राम राम भाई साहब, सुरेंद्र भाई साहब ठीक हो? राम राम सुरेंद्र भाई, ठीक हो? राम राम मुंडू, ठीक से भाई? बढ़िया भाई, लाडी अपनी सुनाओ। अरे बारिश बुरिश होने लग रही है, कितने अगर रुक गई हटता भी बाग रुकया भाई, बढ़िया मौसम कर दिया, खेलने का काम तो छोड़े नहीं अज। क्या हाल पवन भाई? चलो कर लियो भाई, चलो एक तो लॉकडाउन भी खुल खा ले गया। लेंदे रामू ने पुख उड रहा बनिया तेड रहे हो और किसी दंड रखा। राम राम अमित भाई, ठीक हो? अच्छा रे, चलो हाड़े तो बारिश आई है भाई, सार में नहीं आई तो। कुलदीप भाई सार तो कोई भाई ने का प्रोग्राम बनाओ लाइव आने का, जिसका जो ठीक साफ लगता हो खिलाड़ी है आप या खुद है, ताकि सार डिस्ट्रिक्ट का भी थोड़ा है इसमें भाग बढ़े। हाँ बुल्लू है भाई, वो संदीप है मलिक साहब है। बाकी भाई आज सारे भैया की जो दया दृष्टि चल रही उस तय बीसवा एपिसोड चल पड़िया अपना, पहले एपिसोड में मोनू भाई आया था नजफगढ़ से, दूसरे पुंडर आया था, फिर सतपाल आया भाई रोहतक से, फिर विकास गुड़गांव में आया था भाई दिनेश बहादुरगढ़ से भाई आया, उसके बाद भारत भाई आया रेवाड़ी से, फिर महाराष्ट्र का राज भाई आया, पंजाब तो लाडी भाई आया, सब टकला आया भाई, फिर अपना सप लेता भाई इसमें, फिर राजेश केड़ी आया भाई काला दुमसी से आया। बनिया देखना पड़ेगा भाई, मुश्किल पावा बारिश बढ़िया हुई थी, बाकी देख कर बता देंगे। फिर भाई अपना अभी की सोनी पत्ता आया, आवाज़ कम आओ भाई भाई, आवाज़ कम हो रही है, वो हो रही है मेरी थोड़ी, बाकी थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ। उसके बाद भाई खजान आया भाई अपना रेवाड़ी थे, फिर विजेंद्र फोगाट भाई साहब आए, फिर पंजाब से बजस्सा भाई भी आया अपने साथ, बोबी भाई दिल्ली था आए, संजय भाई आए भाई, उसके बाद कैथल थे, फिर चिराग दिल्ली की भाई सारी टीम आई भाई। तब जो राम राम विपिन भाई साहब ठीक ठाक, संदीप भाई बढ़िया। तो भाई मुद्दा चालू कराया था भाई, छह खिलाड़ियों साथ इस लाइव का मेन मकसद तो ये था भाई,
बीच में एक दो राम राम बाबा भाई, एक दो भाइया ने जैसे ड्रॉपिंग का भी थोड़ा कराया, और फिर बीच में फेडरेशन का भी जगरा होया। बाकी जो अपना मेन मुद्दा था वो 6 खिलाड़िया का अंडर एंड गेम का होना चाहिए भाई, उसके ऊपर था यो सारा लाइव का प्रोग्राम, जिसमें मोस्टली सारे भाइया ने कोशिश यह करी भाई होना भी चाहिए। तो बाकी भाई आज थोड़ा मेनली फोकस रखेंगे, दो तीन वे हैं, तो अपना थर्ड बॉल इंग्लैंड के बारे में बताएंगे भाई, और दूसरा भाई फिर जो अपना किट वाला सिस्टम है भाई, जो टीम आओ किट में आओ। इसके अलावा भाई टाइम का सबसे मेन मुद्दा हो रहा है आज के टाइम पे, कि लोग भाई टाइम पर टूर्नामेंट करवाओ, टाइम पर करवाओ, पर ना देखे लाड़िया सुधर कर जी भाई, पर ना है फिर भाई अपने ऑर्गेनाइजर भी इस बात और। चौथा रह गया मुद्दा भाई फेडरेशन द्वारा के मतलब दोष कर के नहीं, इस चीज़ पर भी थोड़ा फोकस करांगे। भाई जंड वाला टूर्नामेंट में विक्की भाई खेला था अपने साथ है, राम राम पवार साहब जिस लियावांगे भाई साहब, कोशिश करांगे भाई हमारी मान लेगा तो एक बार जरूर लियावांगे लाइव, जो शर्मिला छोरा है गाटाने कोशिश करे है, देखा है लियावांगे इसने। तो बाकी भाई सबसे पहले तो बात यह बताऊँ भाई, अंडर एंड पर क्यों जोर देने लग रहा है भाई, मेरी ओर तो खास कर यह बात है भाई, पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो भाई ना वो ठीक लग गए या उस चीज़ का देखो, मैं कोशिश करूँगा भाई अपनी ओर तक भाई सारे सही लग गए वो चीज़। भाई शुरू में मैंने 2004 में जब ये गेम खेलना चालू कराया था ना, राम राम सिंटू भाई, राम राम नरेंद्र भाई, तो उस टाइम पर हम जब गाँव में खेल लिया करते, दो नेट खेल लिया करते भाई, दो नेट होने तेर पाँच से पाँच जने यू फॉर्मेट तक खेल लिया करते, फिर में गए उड़ा हमने दाग नुबेरा पट्टा भाई, एक नेट का सिस्टम चल रहा है, हम भाई उड़े एक नेट करके आए, खेलना चालू कराया भाई, सीखा भाई चलो ठीक है, थोड़ा गेम सुधरिया, फिर गेम हमारा ठीक होने लग गया बड़ा। फिर एक दिन पुड़ंगी भाई बुंडू भाई गला मैच हो गया हमारा, बुंडू ने 10 मिनट में मैच कर दिया, पहली बार हमने नुबेरा पट्टा ड्रॉपिंग की बीमारी है भाई, फिर भाई ड्रॉपिंग सीखी है हमने सही सही करके, राम राम हनुमान भाई बिल्कुल बढ़िया। तो ड्रॉपिंग सीख कर फिर भाई हमने कई साल बढ़िया जोर कोशिश करी भाई, लवा दौरे ठीक हो गई थी टीम हमारी खेलने की, तो हम टूर्नामेंट में भी ठीक जान लग गए थे, तो उसमें कई दिक्कत यह होती भाई, हम जैसे बुंडूर गेल मैच होता मोस्टली हमारे बुंडूर गेला मैच हो जाते उस टाइम, क्यों टीम यह बढ़िया थी हमारे टूर्नामेंट हम चले भी गए, या फिर एक आधी साउथ की टीम आ करती है हमारे जो हमने टूर्नामेंट हम खेले थे, तो भाई उस टाइम भाई जो बुंडूर ये ओपन का सेट बना करते भाई, उस टाइम भाई बढ़िया साथ जने हो जाया करते, और हम गाम गाम के जानते हमने न्यूबेरा नहीं देवा बाहर के भी खेल लिया रहे नो, हम दाऊंगाला खेलते बढ़िया भी खेलते, पर आखिर में हार जाया करते भाई, फिर हमने नुबेरा पट्टा भाई नो भाई दूसरे गांव के गला मिला कर खेल सके हैं हमने भाई, कसरेटिए बालक थे तीन चार जने, तीन चार हम हो गए, हम भाई टूर्नामेंट में इकट्ठे जाने लगे, हम सेट हमारा सेट ठीक बढ़िया हो गया, मास्टर आ गया तेरे सेंटर में, टूर्नामेंट जीतने लगे भाई, राम राम गुरप्रीत भाई। भाई साहब ललित चौधरी जी खत्री जी इस बात के बारे में थोड़ा खर खत्म होने का तो ऐसा है, जो भाई जिसने अच्छी लग गए वो तो खेल रहेगा, पर मेन मुद्दा ये है भाई एक सा रूल हो जाता है सब खतरे बढ़िया है, तो भाई हम तीन हमारा दोनों गामा सेट मिलकर खेलने लग गए, तो भाई सेट बढ़िया हो गया, हम जीतन भी लग गए, फिर बीच बचाड़ा हमारी टीम टूट गई भाई, मैं एक लाई रह गया, दो तीन साल मैंने जो नोन की टीम में कदम बलिया ना कि मैंने खेलिया भाई टूर्नामेंटा में, फिर अटके बालक नए खेलने लग गए, इन्हें लेकर जाने लग गया भाई, ये जो रिवार्डी करना हम जान लगे, एक दो टूर्नामेंट हम गए उड़ा अंडरहैंड खेलिया करते, बाकी अंडरहैंड हम एक पहला भी खेले थे जैसे झाड़ ली कहीं टूर्नामेंट तक कई साल पहला, जब जोर होता इतना तो उड़ा हमने नुबेरा पट्टे अंडरहैंड के वो है, फिर ये बालक भाई तैयार है ठीक होने लग गए, टीम बढ़िया ही बनने लग गई,
तो ऑनलाइन बाद में कोशिश करी ऑनलाइन खेल के देख लिया। बाकी गेम गाँव में उस टाइम हम थर्ड दम का खेल लिया करते, ड्रॉपिंग का भी कम खेल करते, थर्ड दम का खेल लिया करते। तो बालक सारे ठीक हो गए भाई, ऑनलाइन में भी ठीक सा गेम चलने लग गया हमारा। राम राम परविंदर भाई। फिर इसमें दिक्कत यह आई भाई सबसे मोटी, जो ऑनलाइन में भाई नेट उच्चे बड़ा लंबा चलने लग गया। फिर कितने कितने जो हमारा पंजाब में जाना सूद बैठा भाई, उड़े पंजाब में गए, उड़े नेट नीचे देखे, उड़े ही समझ आया भाई हमने तो अंडे अंडे लगभग खेल गए आधा घंटे में मैक्सिमम। कितने बढ़िया टीम हो, बढ़िया मैच चाल कर ख़त्म हो लिया करता भाई। फॉर्मेट भी नहीं होता जो थोड़ा छः खिलाड़ी आ गया था, तो हमने एक दो मैच में थोड़ा हा इतना महसूस सा तो होया भाई फर्क रहा है, पर मज़ा आने लग गया। तो अंडे अंडे वहाँ पंजाब स्टाइल का हमने पसंद आया भाई इस करके। इव रही बात भाई ड्रॉपिंग अंडर अंडर हैंड में क्यों हम प्रेफरेंस देना चाहवा अंडर हैंड में, ड्रॉपिंग भाई मेन गेम है। नमस्कार रमेश शर्मा भाई साहब, ठीक हो? ड्रॉपिंग जो गेम है ना वो है टेक्निकल खेल, जो कल सिमनू भाई ने बताया था, या तो उसमें टेक्निक होनी चाहिए भाई, या फिर बाबा जितनी हाइट होनी चाहिए भाई जब टीम बढ़िया बना है। ये तो दो चीज़ तो हो गए मेन खिलाड़ी जो अगले हैं, इसके अलावा भाई एक नेटर चाहिए हमने बढ़िया था बढ़िया, और एक सेंटर चाहिए जो मैक्सिमम पट्टी पे बॉल मारे या नेट में मारे, नेट में तो लगनी चाहिए। तो तीन खिलाड़ी था भाई बढ़िया था बढ़िया, कम से कम चाहिए चाहिए ड्रॉपिंग में। अंडर हैंड में क्या फ़र्क है भाई, अंडर हैंड में ना तो नहीं चाहिए भाई, नेट घना टॉप का होना चाहिए, थोड़ा ठीक सा नेट है ना काम चल जा है। अच्छा ड्रॉप माइनस की भाई इतनी दिक्कत आती नहीं, फिर उसमें माइनस भी नहीं, अंडर हैंड ठाक देनी है भाई अपना खेल दो, खेल रहे जाए पछलिया भाई पछलिया अंगा ला कर मारो, अगला नहीं मजा आऊगा। तो पछलिया ने अंगा ला कर मारेंगे तो भाई जब मजा आता तब होगा ना, जब दर्शक ने भी जब मजा आएगा तब अंगाला ला कर मारेंगे। ठीक है भाई हम ड्रॉपिंग खेल लिया करते पसंद थी उस टाइम पर, उस टाइम हमने अंडरहैंड खेल नहीं देखा था। अगर अंडरहैंड खेल इतना बुरा होता तो भाई मारे भी पसंद नहीं आवे। कई भाई ने कहते भाई जिसकी ड्रॉपिंग में ना चली टीम तो भाई अपना ही समय अंडर हैंड बढ़ गया भाई, याद एक थारी सोच उसका है भाई थारी टीम। मैं टीम यह चीज़ बताऊँ, टीम बराबर के हिसाब से गेम थर्ड बॉल का अंडर हैंड का ना तो कोई सही भी टीम नहीं कह दो भाई, या बराबर ही टीम नहीं होती समय तो मैं कति नहीं कहूँगा अंडर हैंड खेलने खातर भाइया ने। अरे मेरे कहे तो भाई देख न्यू है भाइया रिक्वेस्ट कर सको हूँ वो खेलना ना खेलना तो यार सारे अपने भाइया ने मिल के है। गुरप्रीत भाई कैथल के सारे भाइया ने इन जानो बिल्कुल बढ़िया भाई हैं, बढ़िया खेल रहे हैं और बढ़िया है बंदे हैं सारे भाई बढ़िया भाई। हरियाणा मंडे ने मैं मजा शुरू में खेल लिया जब तो मजा थोड़ा फर्क पड़ा ना भाई, इन्होंने लिखा भाई टीम इसमें बराबर की हो जाए है। बाकी दिक्कत यह है थोड़ी भाई नेट अपने जो ड्रॉपिंग वाले रख दे हैं 8-3 2-3 पर रखे करते पहला ही भाई जो रेवाड़ी साइड में वह भाइयों ने कोऑपरेट किया है तो 7-10-10 बजे नेट रखने लग गए हैं, तो उसमें भी थोड़ा नहीं मजा आने लग गया भाई। थोड़ा रिक्वेस्ट यह हो रहा अपने 6 खिलाड़ी आगे और अगर कोशिश करांगे ना तो मैच में मजा आएगा। तो भाई इस करके थोड़ा हार्ड ड्रॉपिंग पर फोकस जैसे तो करा सीनू भाई वाली बात ठीक है भाई। देख अगर हम मैं नहीं कहता भाई तुम कति अंगे चेंज करना टीम नहीं भरक आई यह बात है भाई तारी गलत है। ड्रॉपिंग में कई टीम होया करती नामी ग्रामी जिनका नाम होया करता टूर्नामेंट में आ गई तो भाई ये चार टीम अंगिया पार थी इन मतलब गिले खत्म नाम होया करता भाई, चाहे उन मेहनत करके करी चाहे किसी और भी करिए नाम उन चार टीम का हारता और टीम तो भाई आ करती ठीक है भाई अपना टाइम पास खतर खेलना हो भाई किसी का नहीं पड़ता भाई नाम कोई सी भी टीम इन मतलब भाई काट सके है 20-25 टीम मतलब सिर्फ 2 या 3 टीम का नाम होया करता। भाई साहब वो भी भाई सीधी बात है देखो जिसने ड्रॉपिंग अपने ग्राउंड पे खेलना ना खेल लो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सही बात है अमित भाई जब खेलना चालू करेंगे ना, मैं एक बात यह कहूँ ना भाई ड्रॉपिंग मैं अपने उस तब नहीं बताऊँ भाई इतना गेम चेंज कराया हमने भी मारे मतलब गाँव वाले नहीं हुआ करते बजट गए ना उड़े उससे रूल के हिसाब से गेम खेलना लग जाए करते अंत। तो भाई चेंज तो यो है ना भाई जब सब एक सा फॉर्मेट नहीं होगा ना ये वह सब हम बहादुरगढ़ कहन जान खतरे
फिर वाए पास ड्रॉपिंग डेण खेल टाल मारो भाई जान की कम ना रही अपने ग्राउंड पर भाई किसे बड़े खेल कोई वह नहीं आती। आपने ड्रॉपिंग खेलना है, अनडेण खेलना है, थर्ड जम का खेलना है। कुलदीप भाई सात का कंसेप्ट अनडेण में कामयाब नहीं हो ना उनका भाई, फिर गेम लंबा चला है हर जगह नहीं रहती अनडेण में। ड्रॉपिंग में सात का कंसेप्ट बढ़िया था, उसमें कामयाब हो सका है ड्रॉपिंग में, क्योंकि उसमें नेट के ऊपर बॉल है, हमने शूट करनी है या ड्रॉप करनी है। बाकी अनडेण में तो हमने नेट से नहीं, मान लो कम से कम यार 8-10 फुट पाछे थे कम से कम है, उतने तो नॉर्मल बॉल सारी चल लेंगी 8-10 फुट पाछे थे, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती, उसमें थोड़ा गैप कम बना है, तो साथ का कॉन्सेप्ट इसलिए बढ़िया नहीं है। राम राम नरेंद्र भाई। गुरप्रीत भाई जीते जा टूर्नामेंट आ गई साहब भाई, हमारी टीम जो बड़का की होने लगी है 1.5-2 साल तक थोड़ा एक आधा टूर्नामेंट जीतने भी लगे हैं भाई, बाकी मान लो तैयारी वाली स्टेज में है भाई। मैं बिल्कुल रमेश भाई साहब, मैं सिर्फ यह बात का कहन लग रहा हूँ ना भाई साहब, जब आप एक टूर्नामेंट में आ गए, टूर्नामेंट में आ गई 30 टीम, अगर 30 टीम में मत है न्यू नहीं हुआ ना, वह 20 टीम ये दावेदार बन से गए थोड़ा भी बढ़िया, कोई सी टीम का दिन हो गया ना तो वह जीत से गए। ड्रॉपिंग में सिर्फ यह होया करती भाई, हमने 4 टीम के ऊपर नाम नहीं बताया, ये इनका दबदबा रहा था, साउदा पहला थी मारे था पहला, चलो साउदा होगी अच्छा, सापला और चिराग दिल्ली ला लो, भारत आपकी आगे जयपुर वाली होगी, और न्यून था भाई खेड़ी मान सिंह और छठी भाई यूपी ईस्तनियारी भाई, सी टीम कोई सी होंगी भाई जो दावेदार नहीं कहेगा, बट टूर्नामेंट की दावेदार है टीम। और अंडरहैंड में यह गारंटी लूँ मैं, अगर 30 टीम हो ना 30 में 20 टीम का ही नहीं हो भाई, हाँ ही टीम में दम खम पूरा है भाई। अगर जैसे फॉर्मेट वो हर एक चीज़ का किसी ओपन का बना है सेट, किसी 4-2 का, किसी 5-1 का, तो वो अलग अलग फॉर्मेट है भाई। वो भी भाई कोई सा फॉर्मेट कर लो, मेरी पर्सनल राय यह थी भाई, कई भाई नहीं मानने थे भाई 5-1 का मैं नहीं, मेरी पंचायती टीम में जाए थे इस बात तो मन कोई वो नहीं भाई, मेरे लिए कच्चे ओपन खेल लो, मन ने अपना सेट ओपन में भी वो सेट खिलाया है, और 4-2 भी वो सेट खिलाया है, और पंचायती में भी वो सेट खेला अपना दे, अपने लिए कर कोई ऐसा कर लो भाई। पर 5-1 सिर्फ इसलिए कहा करता मैं, इसमें टीम हो जाए बराबर की, एक गांव के 5 बड़का ने खेलने का मौका मिला है, पर सबकी अपनी सोच है भाई, कोई वो किस बढ़ लिया जाए सोचना उस चीज़ का, मेरे दौर की कोई इलाज नहीं भाई। राम राम मुकेश भाई साहब। और न्यूकुण जो या भाई न्यू क्या भाई, ड्रॉपिंग अंडरहैंड गेम अच्छा मजा नहीं आते भाई, कति लिखे तो मैं करवाऊंगा मेरे साथ टूर्नामेंट करवाओ भाई, जो अगर मैं न्यू करवाऊँ जो साड़ा दर्शक न्यू रुके मार बनी छक जाए यार, हमने खुद अपने काम में कराया था पंजाब स्टाइल में टूर्नामेंट करा 5-1 का था, ऐसे मैच चला के थे 40 टीम थी, मतलब 40 टीम मैच मतलब 2-3 मैच इसे होंगे तो ढीले लागे थे ना, रुक के लागे तड़के दी थे ठंडे, और हमारे गांव में कम से कम 100-150 दर्शक डटे, पहले जिंदगी में पहली बार हमने दर्शक देखे थे हमारे गांव में टूर्नामेंट में, रुक के देना दिन में नहीं देखे हटते, और जब रात ने देखे इतने दर्शक ना भाई, क्यों छोटा ही बढ़िया लागन ला रहे उसी टीम का भी मैच होता है कटाए कट रहे थी, और अनडेण में हमारे जो गांव के खेलने खिलाड़ी थे वो ना देखे करते कदे। भाई साहब मोती भाई साहब आपकी बात या तो अटैक लाइन वाली देखो यह बात भी ठीक है भाई, जैसे सिन्नू भाई ने भी कहा था भाई अटैक लाइन डालकर उसमें फिर उसके अंदर ड्रॉप कर लो और उसके पीछे शूट कर लो, देखो यू फॉर्मेट भी हो सका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया फॉर्मेट है, पर वो चीज़ जब है ना भाई जब सब उस चीज़ से सहमत हुए हैं, क्योंकि अगर हमने मान लो फेडरेशन वाले हिंद तक कह दिया भाई इस तरीके अटैक लाइन तो शायद उसमें रख रखी है, पर उस चीज़ का वो है ना, अगर वह बढ़िया टूर्नामेंट में आपने करना चाहो हो भाई जो आप एक आधा टूर्नामेंट करवाओ उस तरीके से दर्शक जनता दिख है उसमें तो मजा आओ है ना। रावना काले भाई हाँ वो भी भाई नरेंद्र मुकेश भाई साहब फॉर्मेट में भी कुछ टीम ही दावेदार हैं नहीं, थर्ड बॉल अंडरहैंड में तो देखो ये नहीं कह सकते हम, हर एक टूर्नामेंट में जहाँ ना उड़ कम से कम मतलब 10-12-15 टीम इसी हो भाई अगले टूर्नामेंट दावेदार की दावेदार हैं भाई साहब,
मतलब जहाँ पर हमने 30 टीम आ गई ना, 30 में से 15 टीम मिलना है दावेदार है, जो कि ये नहीं हो भाई शुरू में खेल रहे हैं या एक दो कम खेल रहे हैं उनका तो मैं कह नहीं सकता। बाकी जो 8-10 टूर्नामेंट खेल रहे हैं ना टीम और एक रेगुलर सेट तक खेल रहे हैं तो वो टीम बढ़िया बन गया है और मुकाबला भी बढ़िया हुआ है। बिल्कुल वही भाई 5-1 के फॉर्मेट में ये मज़ा है इसमें, गाँव के खिलाड़ियों ने या जैसे शहर में जो नए बालक खेल उन्हें मौका मिला है, ओपन वाला सिस्टम ठीक है भाई, सबकी टीम नहीं बनती 5-1 की। ये जैसे विक्की भाई है भाई, विक्की भाई ने शुरू से ही देखो एक फिक्स सेट में खेल लिया भाई, वो जैसे पहले मोनू और वो थे भाई नवीन, उनके जाने बाद ही दूसरे बालक आ गए वह, तो उसका ही गेम है भाई वो फिक्स सेट में खेल रहा है, उससे नारे बालक नहीं खिलाता। और भाई मन ने उस भाई ने इस बात के बारे में सपोर्ट भी कराया है, कदे नहीं उससे भी बात होता पूछ के देख लियो मारेगा हमें टूर्नामेंट में, उससे कई रिवाजक तेरे वो नहीं बोला मेरे द्वारा सारे गया आईडी हैं 5-1 का था अपना, मगा भाई तेरे द्वारा आईडी है ना तो लिया, नहीं बोले और एतराज करे मत चाहे सारी टीम चली जाइए तो तू आईडी दिखा दे ना तो नहीं डांट दूँगा भैया गारंटी है। तो फिर उसने उस दिन काम कुम हो गया मना कर गया आने से। हाँ नवीन भाई 5-1 ओके तो है, पर सब तो इस पर मुश्किल तो यही ना, नए टाइट भाई काले देख अपनी जो मेरी तो खुद की है भाई, हमने तो ग्राउंड में नेट कर हाइट कर रखी 7-7 है मेरे ख्याल में 7-6 इसी कर रखी भाई। मैच का मजा लेना है अगर आपको तो भाई नेट की हाइट जितनी कम रखोगे ना अंडर में उतना ही बढ़िया मिल जाएगा, और भाई ऊँचा टोटल पूरा करना है तो उस मदद से 8-3 पर गाइट दे भाई। हाँ बाकी 7-8 पर 9 पर इस पर भी ठीक काम चल जाए, मतलब सब शूटर बढ़िया शूट मार दे हैं, पर अपने साइड हाइट का थोड़ा हा मानना है भाई, नहीं मानना बिना क्या हो जाएगा, तला करते को मर जाएगा भाई, पंजाब मजा आती को मरिया नहीं मैं दादाऊँ छक्के नेट चे नेट खेल रहे हैं और जो मजा उड़े वाह भाई तो गेम खेलने में सारे धक्के खा लिए भाई, यूपी राजस्थान दिल्ली हरियाणा पंजाब, जो मजा पंजाब में खेलने में ना कोई सी स्टेट में उसका मुकाबला नहीं हुआ भाई। अरे भाई हम जय धक्के खा कर जाए तो कहाँ हाँ, और उस चीज़ में कोई नहीं भाई मान लगा भाई मतलब हूँ खाम खा कहें ये तो वह चीज़ तो उस चीज़ मेरे दूर भी भाई कोई इलाज है नहीं। बाकी यह मजा लो भाई अंडर हैंड का गेम अगर आप लोग सारे मिलकर इकट्ठा करके एक बार खेलोगे तो मज़ा ही आओगा उसमें। मोती सिंह जी ने टाइट अगर 8 फीट कर अंडर हैंड में तो फिर थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा उसमें मैच कई बार लंबे चल जाते हैं। बादल सिंह जी देखो मेहनत अपना कर रखा अपने, बाकी कोशिश यह रख रही है भाई 7-10, 10-8, 9 जितना भी अगर जिसने थोड़ा मजा लेना है तो कर देंगे तो मजा आएगा उसमें मैचों में, खेलने वाले ने भी आओगा ये मारेगा मैं 4-5 बालक तीन जो फ्रेश से खेल रहे हैं मतलब उनने भी नीचे नेट पर खेल रहे हैं भाई कत्ती शुरू में उनने भी नहीं मजा आवे गेम तेज चल रहा है खेलने में मजा आवे, पर मारे वाले जो पुराने खेलनी है जो 15-15 साल हो लिए वाली खेलते बेरा ना वो नीचे नेट होते हैं बेमान हो रहा है, सिर्फ कुछ नहीं थोड़ा सोच का फर्क रह जाएगा भाई नीचा नेट हो गया, नीचे नेट तो कोई नहीं है भाई अपना मजा लो खेल का यू खेला क्या खतरा मजे लेने खतरा खेला अगर वो ही नहीं आता फिर फायदा क्या है। योगेश भाई साहब ड्रॉप देखो गेम बढ़िया रहा इसमें कोई शक नहीं लंबे टाइम तक चलिया है, पर जो मेन जो इसका आज के टाइम पर थर्ड बॉल अंडर का करने का फोकस का ही यही कारण है भाई, इसमें टीम बराबर हो गया है क्योंकि सबके पास स्कोरर भाई बुंडू नहीं हो सकता सीनू नहीं हो सकता, और ये बात नहीं कहना भाई टूर्नामेंट खेल लेता है भाई बना है भाई सब में इतना पेशेंस नहीं होता भाई वो 15-20 टूर्नामेंट 50-30-40 टूर्नामेंट भाई बिना उसके खेल ले। हाँ अंडर हैंड में अगर थोड़ा भी जो टीम मुकाबला लाओ भाई जीतता है इसमें हंगा कोई दिक्कत वाली बात क्योंकि हंग गया खेल भाई दमखम चाहिए इसमें, ड्रॉपिंग में हमने ही भाई टलक टलक मारे जाएंगे नेट पीटना भाई ड्रॉप पर जिसका बढ़िया है भाई वही मैच काट देगा क्योंकि स्कोरिंग का उसमें ऑप्शन मिल जाता है हमें, इसमें क्या है भाई स्कोर का ऑप्शन है हंगे तो काटना पड़ेगा भाई हंगा ला कर मारोगे नंबर काट लोगे ट्राई करोगे जब लिकड़ेगा न्यू कोई ना भाई बिना खो बात के लिकड़िया होगा। आप काले भाई 7-10 तो ऊपर को ना करने दे तू टेंशन ना ले 7-10 पता है इतनी तो रखेंगे भाई। सुरप्रीत भाई वो जो सिटी में खेल रहा है ना उनकी एक पंचायत की जरूरत कोई ना भाई वो एक मतलब अपना भाई एक ग्राउंड किया जाओ या एक शहर किया जाओ एक शहर के दोस्त है ना
उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई साहब। राम राम राजेश भाई, ठीक हो? संदीप भाई कोई दिक्कत नहीं हो तो जैसे फॉर्मेट जिसने सही सूट करा यार उस तरीके का करवाओ, जिसने 4-2 का फॉर्मेट है 4-2 का करवाओ, जिसने 5-1 का कराना 5-1 का अपना करवाना, पर फोकस में भाई 6 खिलाड़िया को होना चाहिए। दिक्कत यह है ना भाई, 7 खिलाड़िया खेलना है अंडरेन में 7 गेम खिलाड़िया को होना है भाई। रमन भाई देखो, विक्की भाई की जो टीम ओपन की है पंचायती भी बहुत खेले हैं, आईडी उन्होंने बनवा रखी थी, इसमें आपने तो कही है सारी सही बात है, पर एक होया करना भाई देखो, एक तो एक टीम के भाई हम 6 खिलाड़ी ये हैं, चाहे हम कुछ हो जाओ हम इस तो 6ठे से 7वें आदमी नहीं खेल रहा, मतलब 7 आदमी ये खेल लाएंगे भाई, एक तो ये होना चाहिए। एक ईसा भी हो भाई ओपन का मैच आया हमारा सेट कती न्यारा होकर किसी ने खड़ा कर रहे हैं, उनका ओपन का भी हो भाई फिक्स सेट भी हो, चलो अपनी सबकी सोच है भाई, मैं तो ठीक मानू इस भाई, एक अपना आदमी एक फिक्स सेट तो खेल सका है। राम राम प्रदीप भाई। हाँ केडी भाई जरूर करांगे साढ़े चे तेरे खातर दे। ठीक सब बढ़िया, 7-10 पे भी ठीक है यार, उसमें भी ठीक हो जा है, 7-10 में नहीं हुआ, एक आधे आ गया 7-9-8-30 तक कम तो आओ नहीं, बीच में थोड़ा मोटा कम हो है, तो उसमें बढ़िया मैच देखने में मिलना भाई, तो जनता ने भी ये एक बात बताओ हमारे गेम की स्थिति क्यों हो रही है, वो सारे मतलब इतने कारण गिना देंगे भाई, न्यू हो रहा हमें करनी है स्थिति भाई, अगर हम यो एक छोटी चीज़ है परिवर्तन ही संसार का नियम है भाई, जब नहीं दिखने लग रहा भाई इस गेम के अंदर में नीचे नेट करने में दर्शक बढ़िया मजा आवा दर्शक देखने में भी, और उसके बाद हम नहीं करना चाह रहे तो उसमें क्या हमारा खुद का वो है ना भाई, हमने मजा नहीं, मतलब हम बदलाव करना नहीं चाहते। क्या धनी बनती है भाई पंजाब वाले स्टाइल से भाई पारस यादव, इस बात में तो नहीं मानूंगा मैं। कृष्ण लाल जी बिल्कुल कोशिश तो कर रहे हैं भाई सब नए फॉर्मेट लाने की। धन्यवाद बेटा भाई साहब, फिक्सिंग का देखो ऐसा है उस चीज़ का अपने दौर कोई वो इलाज है नहीं भाई, जिसकी जैसे जैसे घर है भाई नहीं तुसी बरकत है, जो करता हुआ था भाई उस चीज़ का अपने दौर भी कोई इलाज नहीं है। ना ना मोती सिंह जी यार गलत बात को वाह, हाइट तो राजस्थान वाला की बतेरी हो है, दिनेश के थोड़ा लंबा है, इतने लंबे लंबे हाथ रहे उसके। हाँ मलिक साहब देखो आई डी वह बात है, अगले ने एक बात बताई थी भाई हमारे ये खिलाड़ी अड़े खेलने लग गए, और वह बात है भाई आई डी का तो भाई सा काम हो रहा है, जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, मेरा भाई 6 खिलाड़ी खेल रहे हैं यार इस टाइम बस हरी आने आने दो भाई, क्या दिक्कत है भाई साहब अजीत भाई फिक्सिंग करो उसकी ज़्यादा देखो कोई वो नहीं है भाई, इलाज करेंगे तो भाई करेंगे। ये बाग है भाई, दूसरा अपना जो मेन मुद्दा है वो है भाई टाइम का, टूर्नामेंट का भाई, टूर्नामेंट चालू हो भाई घनी लेट है, कई साल हो लिए खेलते ना भाई लेट हुए हैं, सारी रात काली करो भाई टूर्नामेंट टाइम पे होने हम तक खत्म भाई, जिदे हरियाली रात जग जग के, और इसका के कारण भाई इसका मेन कारण है खिलाड़ी भी और कमेटी भी, एक चीज़ ने करना होना पड़ा चाहे कमेटी कर डे हो भाई, और ना फिर खिलाड़ी तक कर डे होंगे जब काम चल लगा, 5-7 टीम एक 3-4 टूर्नामेंट मतलब की उल्टी नहीं चाहती थी ना, टाइम पर कोई नहीं आवे, यो मादा रखो हो भाई एक भाई हमने टाइम पर करवाने का करना तो भाई कमेटियाँ ने करना होना पड़ेगा, 5-4 टीम उल्टी खिलानी पड़ेंगी, भाईचारा इस मामले मत करो, चाहे कितना है भाईचारा आई डी बाबत या फिर खिलाने बाबत किसी बाबत कर लो भाई कोई दिक्कत नहीं है, पर टाइम बाबत मत करो भाई। मंदीप भाई साहब पक्की है गेम देखो अपनी सबकी मजे वाह है भाई सोच, हमने थोड़ा सा कम मजा आया है क्योंकि उसमें एक तो रेफरी की ज़्यादा भूमिका हो जाती है भाई,
अरे उसमें तो बढ़िया है खिलाड़ी ना, उसका गेम थोड़ा हाँ दिक्कत है, तो थोड़ी ही नॉर्मल सी टीम है ना, उसके गेम में फिर मजाक होना था देखने का। राम राम खजान भाई। अरे कोई ना विकी भाई, सब किया अपनी सोच यार। मुकेश भाई साहब आपकी बिल्कुल सच्ची बात है भाई, इसमें लंबा मैच चलता है, उस चीज़ का भी इलाज है। जब आप नेट 7-10 पे 7-9 पर करोगे ना मैच लंबा, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा मैच, लंबा चलाए 8 फीट से ऊपर नेट हो जाए ना तब चल रहा है भाई साहब। और 7 खिलाड़ी खेल रहे हैं जब लंबा चले है, आप इस गेम में है ना 6 खिलाड़िया ने 7-10 पे या 7-9 पर खिलाओ, मैं मतलब कितना भी हो इतना लंबा घंटे के ऊपर मैच नहीं चल रहा। घनिया बढ़िया टीम होगी ना जब थोड़ा लंबा मैच चल रहेगा। अरे तो बढ़िया भाई, सारी दिल्ली के लिए आओ यार, तो भी यार अच्छी बात कर रहा है। जब जयपुर की टीम में पंचायत थी यार, एक तो पहली बात तो पंचायत आई मतलब फड़ा इतना कर दिया भाई, इतना का होना कोई ना दे भाई। एक पाचा फॉर्मेट आया था ध्यान है, जो उसमें भाई एक सेट में तो खेलने थे भाई, मतलब एक तरफ तो पंचायती टीम और एक साइड ओपन टीम आया था, 2-4-5 टूर्नामेंट में अपना आ गया था यो फार्मूला। उसमें क्या हो गया भाई, पंचायती में टीम हो रही 40 है और ओपन में खड़ी 4 भाई। तो जो शहरी टीम थी भाई वह भी उसमें पंचायती में खेलने लग रही। वो फॉर्मेट अगर कामयाब करना था ना तो उसका भी सुझाव ये दिया था भाई, पंचायती में गाम गाम की रख दो और ओपन वाली बस शहर की टीम, और उस तरीके से कर दो बस सारी ओपन ना करके शहर की टीम कर दो, दो फॉर्मेट हो गए बढ़िया स्वाद आवे। पर उसमें भी फिर वो कर दिया भाई सब पंचायती में बढ़ गया, क्यों उसमें नहीं दिखा भाई एक बहुत ही टीम हो जाएगी सारी अपने, पर उसमें दिक्कत यह होती एक ओपन वाले तो 2 मैच खेल गए फाइनल में जाए और पंचायती में 5-5 खेलने पड़े। बिल्कुल संदीप भाई होना चाहिए, ले आओगे सुमित भाई कर रखी उस तो भाई दे बात। राम राम गौरव भाई, भाई को होना टीम बिल्कुल बढ़िया टीम है, इसमें कोई शक नहीं है। वो लेफ्टी है बिरजू भाई है, इसके अलावा अपना नेट ट्रिब्यून का काफ़ी बढ़िया हो रहा है राजू, और भाई नितिन भाई पहुँच गए थे, बाकी मनोज है रिंका है उनका, सारे बढ़िया खिलाड़ी है भाई, सचिन है, बढ़िया कॉम्बिनेशन उनकी टीम का ही भाई। कुलदीप भाई सिरसा में तो काफ़ी है यार उसका वॉली वाला करेज, हिसार में थोड़ा कम लग गया मैंने, क्योंकि सिरसा ही तो कई टीम है, जोधपुरिया की है भाई एक, वो और टीम उनकी बारूवाड़ी की टीम है बढ़िया टीम है, गेम फतेहाबाद भी ठीक सी टीम है उस साइड है, तो अपने साइड हिसार में थोड़ा एक तो जो आपके यहाँ रूल है ना वो थोड़ा कोशिश करो भाई अंडरलैंड का यार, थोड़ा नेट नीचा करें, क्योंकि एक दो टूर्नामेंट में गए ना तो काफ़ी उच्चा नेट मिल गया वहाँ पर, वहाँ भी रूल लगा ऐसा हो रहा है भाई, टूर्नामेंट उन किसी तरीके से करवा दिया भाई, थर्ड जम का करा दिया किसा करा दिया, तो उसमें टीम में थोड़ा कन्फ्यूजन रहा है। राम राम मन भाई, नवीन भाई जब ये टीमों को तो आदत हो रही है भाई लेट आने की, यह चीज़ तो कमेटी ने ही करनी पड़ेगी भाई, अगर आप टाइम पर अपना टूर्नामेंट ख़त्म करवाना चाहते हो तो भाई टीम भाई बाट मत देखो भाई, आप न्यूचाओ भाई मेरे दूर 60 टीम आवे तो भाई लेट होगा, आप न्यूचाओ भाई मैंने टूर्नामेंट कराना टाइम पे, गारंटी लो टाइम पर निपटेगा, वो आपकी सोच के ऊपर है कमेटी की, मैं तो इसमें कमेटी की मान हूँ, खिलाड़ी तो भाई लेट बहाने मारेंगे भाई न्यू करना सब ने काम हो जाए भाई, पर जिसने टूर्नामेंट माना भाई अपना काम छोड़गा वो अगर खेलना है तो, हाँ उसमें एक काम कर लो भाई टूर्नामेंट कमेटी कराओ जो, जैसे गर्मियाँ में भाई कई बार ये कराए टूर्नामेंट 2 बजे का टाइम दे दें दोपहरी में, गर्मी में भाई कौन आओगा, जब नहीं मेरा भाई गर्मी में आपने रात का करवा दिया डे नाइट करवा दिया तो टाइम उसने 5 बजे का दे दो, अब हमारे 5:30-6 बजे की सारी टीम माना भाई 6 बजे लास्ट टाइम है, उसके बाद किसी एंट्री नहीं है तो टीम टाइम पर आऊँगी, टाइम दे दिया आपने 2 बजे का, 5 टीम तो आ गई 2 बजे और बाकी टीम आओ 6 बजे भाई, तो उनकी 5 टीम की गलती भाई। इसी तरीके जड्डे में भाई जड्डे में टाइम दे देंगे 12 बजे का, वर्किंग डे है छुट्टी नहीं है, 12 बजे कौन बैठा हो भाई तारे बढ़ने आगे, आप 3 बजे का टाइम दे दो 4 बजे टाइम 3 बजे का दे दो 4 ग्राउंड एक बढ़ा दो उसमें टाइम पर निपटेगा, तो दिक्कत यह है ना भाई थोड़ा सा टूर्नामेंट करानी है खाली रुपये लगा दो उसमें, थोड़ा सा यह कोशिश करो भाई टीम में मतलब दुखी ना हो टाइम एक ग्राउंड बढ़ा दो,
पंजाब में ये दिक्कत ये थोड़े टाइम से यहाँ आने लगी है भाई, उड़े ही लेट हो जाए कई वो टूर्नामेंट है, पर उड़े समस्या क्या डेली डेली टूर्नामेंट हो है भाई। राम राम गौरव भाई, राम राम अक्षय भाई, धन्यवाद अमन भाई, राम राम सटार नवीन कुमार है। बिल्कुल मोती सिंह भाई, देखो कोरोना के कारण बद काफ़ी टाइम सब ने रोक रखा था मैच, अब चालू कर दिए हैं तो थोड़ा भाई सावधानी बरतया करो भाई, जो लगा बाहर आओ तो कोशिश करो अपने सैनिटाइज करके आओ या फिर मास्क लगा खेल लो। राम राम की तो भाई। रमन भाई नानू खुर्द में फॉर्मेट बढ़िया था, पर उसमें भी थोड़ी कमी थी, उसमें जैसे सेंटर का जो नाम दे रखे थे ना उसमें कई सेंटर कई टीम में तीन तीन चार से सेंटर हो गए थे, उसमें थोड़ी दिक्कत आ होती भाई, टीम नहीं लगा भाई अगर मारे तो इतने सेंटर ने एक का नाम लिख दिया चेहरा के रह गए तो उसमें थोड़ा रह जाए फर्क सा। उसमें भी कमेटी अगर चाहो तो भाई एक टीम का अपनी का फेवर कर सकती है तो उसमें थोड़ा उसमें सुधार होगा उसका भाई, अगर भाई इस तरीके से करो भाई सेंटर का है कोई इतना ला करके वो ओपन में छः खिलाड़ी कर दो, अगर ओपन ही करवाना है तो छः खिलाड़ी करो भाई, जिसकी जो जगह होगी उड़े के हिसाब से खेल लगा भाई, सेंटर तो नहीं भाई अपना माइनस खेला सारे तो खिलाड़ी से नहीं, एक दो टीम कर सके हैं ज़्यादा नहीं करेंगे बाकी उसमें, बाकी एक फिक्स सेट का मज़ा ये है भाई थोड़ा अपना जो टीम जिसका फिक्स सेट सा है ना तो उससे खेलने दो, टूर्नामेंट में टीम की बराबरी हो जाएगी, जैसे गोवाणा की टीम उनका फिक्स सेट है भाई मारा भी 90-95। अच्छा चिराग दिल्ली का भी फिक्स सेट के बराबर है भाई, जैसे अंकित का है उसका भी, पथरेड़ी का उसका भी फिक्स सेट है, मतलब जो टीम जिसना जितना है ना तो फिक्स सेट कर रही है, बाकी कोशिश यह करो भाई सारी टीम नहीं अपना फिक्स सेट सा कर लो भाई, घना दला बदली ना हो, एक आधे खिलाड़ी की चल जाए अगर ये पाँच चार खिलाड़ी भी चार चार वो दला बदली होंगे तो भाई मतलब चार बार बैठे चार भीतर खेलना है तो उसका फ़ायदा क्या है भाई। शेर बढ़िया खिलाड़ी है भाई, काफ़ी साल पहले मैंने उसका जीन इसमें रणबीर सिंह कॉलेज में ग्राउंड में मैच चला था, दो फारिया टाइम भाई 26-23 मार्च ने था वो टूर्नामेंट, अरे भाई दो फारी में करड़ा होया मिल रहा भाई कूद कूद मारा माँ भाई, उस टाइम पर अंडर हैंड उड़े होया करते भाई अपने हड़े तो उस टाइम पर था भाई, तीन सेट आ गया भाई उस टाइम ना देखा था उस टाइम पर उस वेगा जब देखा मैं भाई वाकई में खिलाड़ी मैं दमखम है इसमें तो बिल्कुल भाई साहब। देखो कृष्णलाल जी ये धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, जैसे पहले सात अंडर एंड पे आए भाई खेलने लगे सारी टीम में खेलने लगे, जो टीम ड्रॉपिंग की बेस्ट थी ना उनने भी अंडर एंड में अपना गेम चेंज किया, टूर्नामेंट अंडर एंड ले करवाया उनने भी मोस्टली सब टीम ने, तो चेंज तो हो गया अंडर एंड खेलने लगे ग्राउंड में भी अरे टूर्नामेंट भी भाई ये भी है बस साथ की जगह अच्छे अच्छे खिलाड़ी करवा दो भाई। बिल्कुल हुड्डा भाई बिल्कुल सही कहा था ना, टेस्ट मैच चलते रहे हैं वो अपनी क्वालिटी है भाई, वनडे मैच की अलग है ट्वेंटी ट्वेंटी की अलग है, पर टाइम इस दौरे किसी दौरे इतना कोई ना भाई, अब भाई लगातार भाई उसने दो मतलब के नाम है लंबा टाइम थी टेस्ट मैच पाँच पाँच दिन देख लिया भाई, तो यह देखो फॉर्मेट अपनी अपनी सोच है, मैं यह कहूँगा अभी अच्छे खिलाड़ी आप आ जाओ कोशिश करके सात दस दस पर नेट कर लो, हाँ जब मज़ा आवे तो नेट तो थोड़ा नीचा अपने आप हो जाएगा थोड़ा नेट फिर अपना, क्योंकि पंजाब का जो फॉर्मेट है ना भाई देखो इसमें कोई शक नहीं मज़ा है उसमें, दर्शक नहीं मज़ा आवे खिलाड़िया नहीं मज़ा आवे है, अरे दिलशाद भाई बालोट की टीम भाई थारे कैसे भाई यार की दया तो उभर रही है, आप लोग सपोर्ट करते हो सब इस कारण ही बड़का मनोबल बढ़ा है भाई, और भाइया की बहुत बहुत मेहरबानी है भाई। धन्यवाद भूपेंद्र भाई, भाई इस खिलाड़ी का बिल्कुल मैं फैन हूँ जैनाबाद से भूपेंद्र भाई है, इस खिलाड़ी को टाइम की वैल्यू पता है भाई, टूर्नामेंट जो भी करा हो ना टाइम के नहीं बिल्कुल पाबंद है भाई, टीम वापिस इन रखना है भाई देखे है, और ये होना चाहिए भाई आप में इतना मादा होना चाहिए भाई, अगर मैं टूर्नामेंट कराऊँ और मन नहीं इतने टाइम बजे करना है तो करवाएंगे भाई,
इश्क जब टीम पादरी हो सके ना तो कोई टीम टाइम पर नहीं आओगी, टाइम तो आप भूल जाओगे, टाइम पर ख़त्म हो जाएगा। फिर धर्मेंद्र भाई दिल्ली टीम को प्रॉब्लम नहीं है, देखो उनका गेम भाई पड़ी आ रहा है हार्ड ड्रॉपिंग में, इसमें कोई शक नहीं, और वह टीम विनर टीम है, बहुत लंबे टाइम तक जीती है। ये भी जैसे ड्रंडेड़ा गेम है, उन भाइयों ने कहा भाई देखो जिनके बस की ड्रॉपिंग नहीं थी वो अंड्रेड नमाए, देखो यह बात है आपकी ठीक भी है भाई और गलत भी, किसी बड़े ला लो इसने यार एक ही सोच है, पर मेरा मानना भाई अंड्रेड में टीम बराबर की हो जाए है, जो कमज़ोर टीम भी लगा है थोड़ी ही वह अगर बराबर में फाइट लेगी ना तो जब वह टूर्नामेंट में खेलना होगी भाई, ना तो दो टूर्नामेंट तीन टूर्नामेंट में बाबा आ गया सूट उतार दिया भाई, अगले टूर्नामेंट में कोई नहीं आने का जी करा किसी का भी, मारे किसी ट्रॉपिंग खेल रहे हैं मामा ने कोई छक्का बढ़िया शूटर था मैं अपने मतलब बढ़िया लग गया करते मेरे, पर मन नहीं मजा ना आता देख खेलती आना बिल्कुल। जितेंद्र भाई आपकी टीम सोनीपत पुलिस लाइन की बिल्कुल फिक्स है और बिल्कुल बढ़िया सेट्स है भाई, और आप लोग देख के तो हमारे के बड़का ने भी सीखने मिला है जो टीम के और बढ़िया जो दिखा भाई टीम बढ़िया है अपने सारी चीज़ें बढ़िया है तो उन तक कोशिश कर रहे हैं भाई सीखने की ना। धर्मेंद्र भाई सी कोई बात नहीं नाराजगी वाली, उन भी खेलने तो वह भी लाग रहे भाई अंडे सारी टीम कौन सी नहीं खेलती, अमन भाई काला करवाड बढ़िया खिलाड़ी है जम बहुत बढ़िया भाई का, राम राम देव भाई, राम राम प्रवीण भाई, हाँ बॉबी भाई कैर में भी ये टाइम का बिल्कुल सही हिसाब से चलता है, इसकी बात थोड़ा लेट करके था उन कई भी दिन बोला भाई देख लो थोड़ा करना पड़ा है टीम में किस तरह, पर बाकी भाई सब टाइम के बढ़िया पाबंद है भाई। तो एक दूसरी बात तो होगी भाई टाइम वाली, तीसरी है भाई किट वाली, कोशिश करो भाई जितनी भी टीम आओ ना एक वो लंबा थोड़ा वो खर्चा को ना भाई किट मार दिया करो तो बढ़िया लगा खेलते, इस मजा नहीं थोड़ी भाई एक टीम खेल लगी तो बढ़िया लगी दूसरी बूंदी लग गया ना किट के खेलती है। और चौथी रहेगी भाई फेडरेशन द्वारा मदद की करें कोई जो फेडरेशन बढ़ाई है भैया उसका मेन काम ये नीरज तो भाई या देख मैं इसमें आपने पहला भी कहूँ क्या करता है भी भाई देखो छह खिलाड़िया कर दो आप किसी तरीके से करवा लो छह खिलाड़िया का करवा कर अंड्रेड मतलब ओपन करवा लो चाहे फिक्स सेट करवा लो चाहे पाँच एक का करवा लो कोई दिक्कत नहीं है भाई, छह खिलाड़िया हम यार दम खम सब का वेरा पट जाए जो थोड़ी ठीक सी टीम है ना छह हम सब का दम खम केरा पट जाए भाई, अरे अंड्रेड हम इतनी कोई यार जो दिक्कत वाली बात कोई ना भाई एक भाई जो ये ओपन वाला है पंचायती वाला चार दो वाला पाँच एक वाला इसी तरीके से करवा लो। तेजेंद्र भाई खेड़ी मान सिंह की बिल्कुल बढ़िया टीम है भाई, काला दुमसी आने के बाद जैसे और उनमें जैसे पहनापन बहुत बढ़िया आ रहा भाई, हम जैसे पाँच एक में चार दो में लिया हूँ भाई, बाकी जो राजेश है भाई राजेश का खेल भी पहले ड्रॉपिंग में स्टार हुआ करता ही भाई जैसे अंड्रेड में भी अपना सेंटर खेल रहा है तो जो खिलाड़ी जैसा है भाई उसका अपने आप खेल को ढाल लेता उस प्रकार से। नवीन कुमार फिक्स सेट वो हुआ करा भाई जो तू खेल लिया करता पहला ये भी नहीं तू भी बना ले फिक्स सेट यार पता तेरे भी कहने लग जाऊँगा फिक्स सेट है भाई, अरे क्या हाल सी मेरे भाई बिल्कुल बढ़िया, अरे नवीन भाई चाहे तू किसी तरीके से टूर्नामेंट जो कराने वाली टीम है ना भाई उसने कमेटी है उसने देखना वो कौन सा फॉर्मेट करा पसंद करे है और चाहे उसने ओपन करवाओ चाहे वो अगली पाँच एक का करवाओ या फिर चार दो का वो अगली मर्जी है, मेन तो ये होगा छः खिलाड़ी है खेल लो जब न्यू है मजा भी आओगा देखनी है ना फिर खेलनी है भी आओगा। धन्यवाद बढ़िया भाई सुरेंद्र भाई, हाँ नीरज भाई देख आप आंदा सीधी बात सब खेलने में मजा आना चाहिए, देख ठाई ड्रॉपिंग में जैसे इनू भाई कहता भाई ड्रॉपिंग में भाई थोड़ा फर्क रह जा इस चीज़ में कि भाई सब के पास एक से खिलाड़ी बढ़िया बेस्ट नहीं हो सकते, किसी के पास नेट बढ़िया नहीं हो किसी दौर सेंटर बढ़िया नहीं किसी दौर माइनस बढ़िया नहीं है, अंड्रेड में सिर्फ ये खिलाड़ी थोड़ा चला दे और बाकी डिफेंस करनी है मतलब सेफ होनी है जब भी गेम चल जाए उसमें और मजा वो है जो बराबर का हो भाई एक न्यूबेरा हम लंत या टीम भाई मैच उठाओगी हम खेल के चलो दो चार पाँच मैच दस टूर्नामेंट हम आ जाए और अगले जो सब के पास इतना पेशेंस नहीं है भाई थारी भाई पंद्रह पंद्रह
20 टूर्नामेंट 50 टूर्नामेंट हार गए भी फिर वो लगातार चले जाओ। तो आज के टाइम में थोड़ा कोशिश यह है बेस्ट बराबर का मैच रखो तो इंग्लैंड का ही है। कौशिक भाई आपकी बात ठीक है, ड्रॉप बेस्ट है, खेल लो आप, उतना कोई नहीं निकलता, तब अच्छा है इंग्लैंड खेल लो आप, पर जो समय की मांग है भाई, हमने भी मजबूरी में चालू कराया था भाई, कई टूर्नामेंट रेवाड़ी में होगा 90% रेवाड़ी में खेल इंग्लैंड भाई, हम यार खेल दो ड्रॉपिंग उड़े जावा अपने आप कैसा हो रूटीन में जो खेल खेल थोड़ा फर्क रह जाए उसमें। तेजेंद्र भाई जमील का खेल देखा है 2-3 टूर्नामेंट में भाई, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं वो। अरे भाई नवीन बीच के का मतलब ये हो भाई, पंचायती तो कोई हो ही नहीं सकता यार, सीधी बात वह आएगी ना पंचायती, तो ये पंचायती या तो लफड़ाई खत्म कर दो, पांच कम से कम एक खिलाड़ी या दो खिलाड़ी तो बाहर आ करो भाई, उसका ये बेनिफिट है। मान लो जिस टीम द्वारा जिस खिलाड़ी द्वारा टीम नहीं है भाई, बतेरे खिलाड़ी है भाई अपने, विकास है, धोन सिन्हा है, तो एक टाइम पर मैं इस स्थिति से गुजर रहा हूँ भाई, मेरे द्वारा टीम कौन थी मेरे काम की, मैंने भी नौनंद वाली गेम खेला था 2-2.5 साल खेलिया भाई, तो उनकी सिचुएशन में मैं समझूँ बिल्कुल, 5-1-4-2 या फिर कति ओपन है होना ही चाहिए। पंचायती या तो प्योर का देखो भाई, कई बन नहीं बनती टीम सबकी, 5 खिलाड़ी 6 खिलाड़ी 5 हो जाए 4 हो जाए तो उसमें होना चाहिए इतना ऑप्शन। भाई कृष्ण लाल जी विपिन भाई है देखो जो फेडरेशन को संभाला है, हम तो जैसे आप लोग हैं भाई के साथ जुड़ रहे हैं और जो कार्य भारी संभाल रहे हैं भाई, देखो इस चीज़ का उन्हें ज़्यादा पता है भाई, बाकी मोस्टली लाग रहे हैं सारे जिले में फेडरेशन तैयार होने लाग रही है। नीरज भाई पूछने वाली बात आपकी जो है ना, देखो वो आप वाले बिल्कुल बढ़िया है भाई, पट्टी में मार है वह कलाकारी है भाई, वह सब वह उसकी क्यों खुश है हम, उसका जो मेन मुद्दा है भाई देखो, वो जो भाई उसने भी बताया था कि ना वो काले धुन से नहीं बताया था भाई, अकबर पूछन का ये बेनिफिट है सब दौरे एक से नेट नहीं होते, चलो नेट भी चलो सब दौरे बढ़िया हो गए भाई, जो मेरी जो सोच है ना मैं टोचन क्यों चाहूँ भाई, भाई टोचन मतलब पट्टी लागी नेट ने बनाई सिंगल हैंड समय से मारो भाई, दर्शक रुक के नहीं मारा तो मन लगा दियो, तो वो है मजा मेरी जो राय है अपनी, सिर्फ इस कारण मैं टोचन का फैन हूँ भाई, कभी नहीं मानो भाई और कोई कारण, सिर्फ यू क्योंकि दर्शक आने मजा आ रहा है, चौके छक्के मैं सिंगला में किसी मजा ना आता भाई, ताली बाजी आ रहा जब चौका छक्का लगेगा, जैसे नाम कह दिया भाई पंजाब में सिंगल हैंड तो समय से मार देना जाए तो नाम है भाई, उसी से कोई सा नहीं मरता, तो मेन कारण है ये। तुम यार टिकटॉक पर अपनी वीडियो एडिट कर करके लाओ हो, अंकित जुगर कई वीडियो देखी मैंने भाई, सिंगल हैंड वाला समय से वीडियो लाओ हो पट्टी वाली ना लगता भाई, तो जो सिंगल हैंड वाला है वो भाई सब ने बढ़िया लगा, एक हाथ मारा कूद गया भाई जंप लिया गया, आगे खिलाड़ी नहीं भाई आगे कित लग गया, सिर्फ यू कारण है मैं टोचन का फैन हूँ भाई, इस करके तो हूँ मैं, और कोई दूसरा कारण नहीं है। अरे एक वो निका लंबा हो जाए टोचन, कोई लंबा ना हो भाई टोचन, लंबा क्यों करो जाएगा यार, समझ आइयो मैंने भाई, टोचन सिंपल पर वो सुना करो, टोचन शॉट मारने का करो, जब देखो लंबा क्या मतलब टोचन लंबा होगा गेम ट्रेंड का। रमन भाई फॉर्मेट तो देखो, जो टूर्नामेंट मान लो जो खेल रहे है अगर वो एक साथ खेलने लग जाएगा तो नए खिलाड़ी दब पाओगे यार, हर एक टूर्नामेंट जैसे अंडरहैंड है, अंडरहैंड में बहुत से खिलाड़ी हैं जिन्हें पहले नाम मना हारता ही बतेरे ऊपर कह रहे हैं, हमने जोन सिन्हा है विकास है कहते नाम में नहीं सुना था भाई, चाहे कितने बड़े स्टार हो उस साइड के पर हमने नहीं सुना था, क्यों हम अंडरहैंड हमारा वास्ता ही नहीं पड़ा था, कहते हमने ड्रॉपिंग सुनी थी, हम तो बुंडू ने जाने थे जिसने सिन्हू ने जाना थे, चाहिए पंचर बताई थी भाई क्या नाम है न्यून तो यूपी नीटू हो गया भाई और अपना राजेश हो गया, गिनती है 5-6 खिलाड़ियाँ जाने थे बस, जो जोनी भाई हो गया अपना भाई साहु दादा, क्योंकि पहले तो जोनी ये हो गया नाम बुंडू देखे भाई, हमने तो ड्रॉपिंग इन्हें तो सीखी थी। प्रवीण भाई देखो आपकी बिल्कुल सही सोच है, 5-1 का होना चाहिए, बाकी भाई ये हर एक टीम की इस तरीके से ना बने तो उसमें 4-2 कर लो भाई गणा ना करते थे, या फिर अपना वो कति ओपन करवा दो, फॉर्मेट की कोई दिक्कत नहीं, खिलाड़ी से रखो। कौशिक भाई साहब आप देखो फरीदाबाद पलवल साइड है तो हम देखो आप कदे उस साइड तो गए नहीं है खेलने के लिए, क्योंकि थोड़ा
दूर हिसाब दूसरा पड़ा दिल्ली क्रॉसर करना पड़ा था हमने तो ड्रॉपिंग। बाकी भाई आपकी वो देखो इस चीज़ का मैं नहीं कह सकता भाई, आप अगर आपको भाई ज़्यादा टूर्नामेंट खेलने हर एक जगह खेलना है तो देखो रेंट ज़्यादा चल रही है वाल्व के लाल, और मैं इतनी आपने गारंटी लिवा पे 7-10 पे नेट बांध कर छः छः खिलाड़ी आगा एक हफ्ता नेट अंडरहैंड खेल लो जे ड्रॉपिंग तो फालतू मजा ना आवे तो मन लगे दियो भाई। खेला मैं भी ड्रॉपिंग करता बतेरे टूर्नामेंट खेल लिया बतेरे साल का मैं भी खेल लिया भाई, पर थोड़ा रह जाए फर्क भाई अंडरहैंड में दमखम लागे भाई, हम ग्राउंड में क्यों जाऊँ पसीने काटने खातर जाऊँ यार, जब हमारा अंगा ही नहीं लग गया तो फिर फायदा के ड्रॉपिंग मतलब गेम खेल लेगा अंडरहैंड में साहब भाई, आप एक सेंटर में कूद कूद मारोगे ना अंगा लागे उसमें, ड्रॉपिंग में को जंप नहीं रहता है मतलब जंप का खेल लो अब जब तो लाग सके भाई ना, तो अपने सब ने कोडा कोडा रह कर नेट में मारनी भाई मतलब दिक्कत उसमें कोने अंगा लगता इतना भाई। अरे एक सप्ताह मोटी दिक्कत भाई ड्रॉपिंग की बताऊँ आपने तो की है जो आप नहीं मान रहे हो भाई, ड्रॉपिंग का बराबर गेम है, आप टूर्नामेंट में गए नेट बंद रहा भाई 8 फुट पर ला लो बंदा जहाँ, अरे उड़ा रहा बुंडुआ रहा वह छिन्नुआ रहा है टीम ठीक आ रही भाई उड़ा आ गया भाई बाबा के यहाँ 8.5 फुट का खड़िया हो गया जानते नहीं मैं भाई नेट ने उत्साह कर दो दूसरी टीम वाले कहें भाई यू 1 लाख इतना लंबा नेट ने उत्साह कर दो भाई, और नेट ने 8.5 फुट पर टंगवा देंगे भाई, देख लो फिर मैच ना देखनी है ना मजा और ना खेलनी है ना टड़क टड़क में भाई कोई मजाक कोई ना, वो चीज़ है भाई सीधी बात बताऊँ भाई वो टाइम पास करने खातर चले जाओ उसमें मजाक कोई ना आता। राहुल भाई विकास पटौदी बिल्कुल बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, जोन सिन्नर वो दोनों भाई उनका गेम वाकई में यूनिक है, टीम ना होने के बावजूद दोनों बहुत बढ़िया खिलाड़ी है उस साइड में। बढ़िया वो यार ड्रॉपिंग आता है उसमें तो उस टाइम पर सिस्टम में कौन था यार 35 का दो जो देखो भाई बात सत्य हरे हमारे कहने बेहर ही था भाई ओपन किए हुए है पंचायती किए हुआ पता अपना एक गांव के चले जा करते ये उड़े टीम पाती 7 खिलाड़ी ठेडे पेट छत का अपना घर आ जानते भाई, कह कह टूर्नामेंट ना बनी हम और टीम मान दो गांव घूम के ना रहा न्यूनता भाई फाइनल में पहुँच गए फाइनल में टीम नहीं बनती भाई सेमीफाइनल हर सामी कर दिन थे बुंडू ने खड़िया बुंडू गए ली कुण कुण भाई दानवीर से फिर पुंडर अरे सतपाल बीपी ने और भाई नेट पर टकला शेरड़ी वह कित गिंडू परण दे मेरे यार वो सारे टॉप के खिलाड़ी मारे कहे मर मर बावड़े हो जाते आखिर में हार उठ कर अपना घर चल लो भाई। कृष्ण लाल जी बाकी कोशिश तो ये है भाई रूल तो बड़े हैं ही नहीं यार इसमें एक का यू है भाई अंडरहैंड का है और छः छः खिलाड़ी का है इसमें तो को गणा रूल वाली बात तो कोने है भाई कोने लंबे चौड़े रूल हैं। धन्यवाद रमेश भाई क्या हाल है पारस भाई, हेलो धालीवाल साहब कौशिक भाई आप एक बार मेरी करो न्यू करो आप मेरी गल पंजाब साइड चल लो याड़िया तो देखो मकनता नहीं भाई क्यों कई बार अरना दे नेट नीचा करके भाई याड़े खेल लो जय आपके मुंह तो निकलवा दूँ भाई दे किसी गेम में मजा है इफ ड्रॉपिंग में भाई आपकी जो बात ठीक है ड्रॉपिंग खेल लो साइड में ड्रॉपिंग में पहला हम नहीं बढ़िया लग गया करती मैं नहीं कहता समय की मांग यह है भाई अगर हम सारे भाई मिलकर रेंट पर थोड़ा फोकस करांगे ना तो गेम और इसमें ऊपर लेवल पर मतलब लगेगी गेम की आधे ड्रॉप खेल ले जाएंगे आधे रेंट खेल ले जाए फिर वह गसल मसल रहनी भाई इसमें बढ़िया भाई साहब धालीवाल साहब परवीन भाई टोचन का है था देखो इसके बारे में तो थोड़ा और सारे भाई बैठ कर जब समझाया जाएगा या बात करी जाएगी तो जब इसका हल हाल कटेगा, बाकी टोचन का ही है भाई देखो अगर गेम में थोड़ा और रोमांच बढ़ाना है ना वाह वाह तो छक्के लग गए ना और भी एक स्टेडियम तो बाहर जा छक्का एक तो सिंपल छक्का लग गया एक स्टेडियम तो बाहर जा तो भाई छक्का तो ये बढ़िया मानने जगह तो ये है भाई सिंगल एंड का तो समय से लग गया ना तो मजा आओ है तरसका ना भी खेलनी है ना भी शास्त्री भाई
बिल्कुल यूनिक खिलाड़ी हैं, पट्टी के माहिर खिलाड़ी हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव के, बहुत बढ़िया इंसान है, बिल्कुल सुरेंद्र भाई। हमने इतने साल यार ड्रॉपिंग में गाड़ दिए, पर 2-3 साल में हमने अंडरटेन में जब इतना मज़ा आ रहा है तो भाई मन 15-16 साल हो गए खेलते वाली, उस उम्र मान लो भाई 13-14 साल तो 12-13 साल तो ड्रॉपिंग खेल लिए है भाई। भाई नवीन कुमार तेरी बात बिल्कुल जायद है, मैं लगन तब टोचन सब न बढ़िया नहीं होना लगता ना आपने को भाई, जंप का शॉट है अरे यार कै पट्टी लागेंगी 7-10 के नेट बग भाई, अरे मतलब टोचन पर मारेगा बड़ा बड़ मारेगा सारे मैच में, 5-10 तो ऊपर 5 वाली भी टोचन ये बनाएगी ना वो घनी है कदे नहीं बनता हो घनी बन जाएंगी। हम भी पंजाब में नहीं सोचे यार टोचन मामले भाई फोड़ के गेरेंगे नुकरेंगे कितना फर्क पड़ता, सारे मैच में 5-4 वाली बनाए हैं मारी पट्टी अलग गैड थी, वो टोचन ही जगह बनाए कोई ना भाई फर्क रह जाए उसमें बनने में। रमन भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो तो सेट किसी प्रकार से भी कर लो। क्या हाल है करमवीर भाई, बिल्कुल बढ़िया अपनी सुनाओ। बॉबी भाई सोच सोच की बात है, 8-1 पे अगर नेट ना करोगे तो पट्टी से फालतू लग गएंगी आप तो टोचन ही मान रहे हो भाई, आई बोल मारी रहे हो टोचन बनकर मारा को ना बनाई इतनी जितनी आप मान रहे हो, सारे मैच में 5-4 वाली बनाया करें बच्चे। क्या हाल हसीन भाई, सचिन भाई वो भी भाई वो काफ़ी साल पहले ये बात होगी, उस टाइम पर जैसे बुंडू था खेल लिया करते भाई, बढ़िया टीम थी आपकी टीम आई थी हमारे काम में, तो उसमें हम सेमीफाइनल में आ रहे थे, बुंडू आप तो आ रहा था, हम पक्स मेरे कसरेटी टीम थी मिक्स हम तो आ रहे थे, तो फिर थोड़े नाम खतर मारा बुंडू के मैच हुआ था रूड़े पहली बार आ था भाई हमने वो उस टाइम पर बुंडू का गाम गाम का सेट था, मतलब सापले का सेट था और मारा भाई गाम गाम का सेट था, बिल्कुल बढ़िया है राहुल भाई, जितना सही नेट हाइट पर बंद हो गया ना तो और मज़ा होगा, 7-10 पाप जैसे बांध रहे हो तो उसमें देखने ने भी तो करेगा दर्शक आओ उसमें शॉट देखने मिले जब बहुत मज़ा होगा उसने, या पार सिंगल सिंपल करिए जा कौन बैठ के देखेगा उड़े। बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल कौशिक भाई आपकी सोच है एक भाई अपनी मांग है, चलो आप जैसा समझो आप उस चीज़ का, देखो मेरे दुरा कोई नहीं है, मैंने इस गेम का जो ये जो चालू कराया भाई इस कारण कराया क्योंकि हर एक जगह डिस्ट्रिक्ट के नहरे नहरे रूल बने भाई भाई, अगर हम अपने जैसे एक हरियाणा में भी एक कोशिश करा भाई 10-15 डिस्ट्रिक्ट भी एक रूल का खेलने लग जाए तो भाई बाकी अपने आप आ जाएंगी, वो आपकी समझ है भाई नहीं मान लो भाई अपनी मतलब मामा अपने फेवर में करने लग रहे हैं, उस चीज़ का मेरे दर्द भाई कोई समझ उस सोच का बदलने का मेरे दर्द कोई इलाज नहीं भाषा, मैं तो भाई यार रिक्वेस्ट कर सकूँ भाई इस तरीके का खेलो तो यू बेनिफिट है, अगर आप उस चीज़ ने दूसरे नेगेटिव भी मिले हो तो देखो मेरे दर्द उस चीज़ का भी आप इलाज नहीं है कोई। राम राम राजेश भाई साहब, राम राम बबर भाई, रमेश भाई साहब ये समझ में नहीं आ रही मेरे को भाई, जैसे टोचन पे जैसे कर रहे हैं ना थोड़ा क्यों इतना समस्या मान रहे हैं, हम पंजाब में छक्के खेल है किसी मैच में ना 3-4 अदमारे मतलब 5-5 तो बहुत गुने बता दिए मैंने, टोचन ही लागे को ना टोचन जो बढ़िया लगेगा ना वो लगेगा एक आधा ये जो कती नेट के दौरा बने दी है भाई वह बना दी उड़े ना तो जो पट्टी दूर लग गए ना वो उठाई था बस उस पर नेटर पर, बिल्कुल करमवीर भाई बढ़िया अपनी सुनाओ। अच्छा आप भाई साहब बोबास की टीम भी आपकी काफ़ी बढ़िया टीम है राजस्थान की, मेरे ख्याल बवर भाई आ करते उनके साथ में बढ़िया टीम है, और भाई मेन जैसे
भाई सुरेंद्र भाई फेवरेट यह था ना मेरा केस मानना यार फेवरेट तो वो हो ना भाई देख मन कराना हो सब खतरक भाई वो जिला खेलना है पड़ेगा तुमने भाई देखो तुमने मजा आवे है अगर मैंने दिखा गेम सब खतर बराबर हो तो खेलो भाई ना तो भाई सब अपने खेलने लाग रही सामने पिछड़ने लाग रही है भाई भाई प्रवीण देखो जो पंजाब में खेला है ना वो पंजाब का फैन हो गया इसमें कोई शक नहीं बात हमने तो छक्का मजा आओ भाई इस तब बढ़िया गेम की तो लग गया नहीं और भाई सब की अपनी सोच हो है और भाई देख कितनी टीम है जो मतलब हम चाहो भाई जैसे दिल्ली में मेरे ख्याल में 5-6 टीम है जो मेन 8-10 टीम लगा लो भाई जैसे ऊट की होगी चिराग दिल्ली होगी गेवरा होगी किराड़ी होगी नजफगढ़ है कैर है बडूसराय है ये नहीं मान लो 7-8 टीम होगी भाई इसके करनाल में खेड़ी मान सिंह कूकनी है दुमसी होगी काले की कौशिक भाई आप की मर्जी है देखो आप ड्रॉपिंग खेलते हो पर आप ड्रॉपिंग में भी बते मतलब बोल सोलो हो भाई नुका देना पर रूल कोई ना रेफरी का उसमें भी देखो बहुत वो है जैसे आप कह रहे हो ना भाई 13 नेटर हो जाएंगे और भाई टोचन आया ये कुछ नहीं आया भाई एक भाई आदि बात चल रही है को भाई उसने अगर मान लो समझ में आ जाए कोशिश करें भाई अगर आप एक बार आपने देखो हम फरीदाबाद उस साइड कदे नहीं आए हैं हम कहने लग रहे हैं आपका गेम मैंने देखो इतना देखा भी नहीं होगा पर अगर आप एक बार नुका जाओ पंजाब के मैच लाइव देखने में फ़र्क से थोड़ा हा या फिर एक बार लाइव खेल लगाओ जब मज़ा न्यारा है उस चीज़ का क्या हाल सचिन भाई धन्यवाद भाई आपका धन्यवाद निखिल भाई तो भाई जैसे कुरुक्षेत्र में होगी सहरसा गराड़सी है अम्बाला यमुनानगर में होगी पानीपत में होगी एक दो टीमें इसके अलावा दादरी है महेंद्रगढ़ है फरीदाबाद पलवल होगी तो इस साइड तो इन टीमों का जोर है भाई बाकी सार से कुंभा की टीम है जो मोस्टली वह ज्यादातर टूर्नामेंट हम भिवानी से मुंडाल की है तिगड़ाना है ये टीमें हो जाए हैं जींद में जो है सामड़ों की होगी जींद की खुद की टीम होगी लितानी की लगा लो 3-4 टीम है जो मेनली टूर्नामेंट हम आओ हैं इसके अलावा भाई कैथल में कैथल होगी बुढ़ा कीड़ा है कुराड होगी सिरसा में बारूवाली जोधपुरिया होगी भाई रोहतक में बालोट बलियाना है चुलाना है आयक जैसे सापला की होगी रोहतक की होगी 2-3 टीमें होगी इसके अलावा भाई टूर्नामेंट हम जान लगी है सोनीपत में विक्की सोनीपत होगी गोहाना होगी गड्डी बिंदरौली होगी पकरोई है इसके अलावा सोनीपत पुलिस लाइन की है भाई कई टीमें हैं ये तो मेन मेन टीम अगर ये भी कोशिश करेंगी ना तो थोड़ा सा उसमें गेम में पैटर्न बदलाव हो यार सारे भाई एक गढ़ खेलना आ जाएंगे अब 6 खिलाड़ी अरे वह बूंद आने लग रही है भाई बनिया थोड़ी बार में देख कर बता देंगे ग्राउंड का गेम उतरेगा जज्जर में होगी जो जज्जर की है भद्रगढ़ है जहांगीरपुर जाडदी की होगी गुड़गामा पटौदी पथरेड़ी होगी इंद्री होगी रेवाड़ी में होगी निमोठ टीठ है निवाड़ी वाले तो जैसे सारे अंडे अंडे खेल रहे हैं बढ़िया टीम है कई उड़े तो भाई थोड़ी घनी कब अच्छी करके सारी टीम कोशिश करेंगी ना तो कोई इतना लंबा थोड़ा सांग को ना है उसका है अरे बनिया भाई ना आने दे समझ में यार क्यों टेंशन ले अपना अपना काम भाई याद है बात करने का था इस बार ने बात भी होगी सारे है जो भाई भाई गेम के बारे नहीं सोचा है भाई थोड़ा मोटा गेम सबका बराबर का हो तो इसी नसी समझेगा हाँ रमेश भाई साहब ये कोरोना खत्म हो गया 5-6 दो कोशिश रहेगी टूर्नामेंट होंगे ना उनमें पैटर्न भी हो कोशिश किस करेंगे भाई वो है और भाई थोड़ा जैसे किट कैट का भी उसमें ध्यान कोशिश करेंगे सारी टीम किट कहाँ हैं और भाई टाइम की भी सबसे मेन है अरे डट जा तो लॉकडाउन हो ही ख़त्म ना होया है ये सरकार ने कराया ही ख़त्म ना हो लिया है क्यों गेम क्या ना हो सकते कुछ है।
और बाकी भाई एक बात रह गई थी, वह फिर कदे बतलावांगे, वो बड़ा लंबा थोड़ा सांग हो जाएगा। जैसे टाइम वाला उसमें है फॉर्मेट भाई, के नाम है वो 40 मिनट वाला, उसके बारे में फिर कदे आगे बतलावांगे। क्यों भाई ये एक या और बता दी ना, सारे ने मन लगे लग जाए तो भाई नेरे रूल काट के लिया है, पर नेरे रूल को ना भाई, जो गेम में मजा देने का रूल है ना भाई, है वो ऐसा जे करिए जा कर को भाई, उसने समझना चाहो है गेम के लिए प्रति, उसमें नहीं सोचना चाहो है तो बढ़िया है भाई, ना सोचना चाहता तो भाई। राम राम डॉक्टर साहब, बिल्कुल बढ़िया, अपनी सुनाओ। अरे वो है गा खत्म, में 5-4 मिनट मोर कर दूंगा मेरे यारे, तो भी तो माँ बिल्कुल मुकेश भाई साहब, उसमें इसी तरीके से करवाऊँगा, और जो लाइव का सिस्टम है उसमें सब देखने का भी मज़ा भी आवे, तो थोड़ा नेट की कोशिश यह कर रहे हैं भाई, नीचा ही करके कहूँ मैं, उसमें थोड़ा टाइम अगर एक कम टाइम चल रहा मैच तो उसमें दर्शक का भी इंजॉय बना रहे है। बाकी सारे भाइया तो भाई फिर दोबारा से राम राम, फिर भाइया ने कदे लाए भाई, धन्यवाद।